दोस्तों आज रिपेयरिंग करने जा रहे हैं अपने कूलर की एग्जॉस्ट वाली किट। इसकी साइज ये आती है। ये किट से बड़ी होती है, इसमें बैरिंग नहीं आते, सापट भूस आती है और इसकी साइज भी ओवर है, स्टैम्पिंग साइज भी ओवर है। ये कंप्लीट कर लिया है, वायर वगैरह निकाल के काट के इसमें पेपर लगा के कंप्लीट कर लिया हूँ मैं। ये देखो दोस्तों, ये सबसे आसान और फास्ट तरीके से बांधना बताएंगे आपको हम। दोस्तों इसकी किट की कूलर की जो नंबर आएंगे ना वो आएगा 28 गेज का नंबर आएगा वायर का और 33 सेंटीमीटर इसकी कोयल की लंबाई आएगी। ये डलेगी फर्स्ट बीच में, जो कोयल डलेगी एक और दो छोड़ दिया जाएगा बीच में, सीधा सिंपल तरीका है अपने, इसको और इसको छोड़ देंगे और कोयल डलेगी अपने इसमें और इसमें फर्स्ट वाली जो डलेगी, जो अपने इस फर्स्ट वाले में अपने एक राउंड आएगा और सेकंड वाले में दो राउंड आएंगे, उसी हिसाब से फिर इसमें डलेगी और इसमें डलेगी, उसी हिसाब से डलती जाएगी कोयले, सारी चारों कोयले उसी हिसाब से डल जाएगी। प्रत्येक कोयल में फर्स्ट जो कोयल डलेंगे उसमें एक ही राउंड डलेगा, सेकंड वाले में दो राउंड डलेंगे। ये रनिंग वाली कोयल है फर्स्ट। दोस्तों चार कोयल बन के तैयार हो गई है, इसमें चार कोयल डलेगी। ये 28 नंबर गेज से है और इसके राउंड है 110। बिल्कुल सिंपल सा आसान तरीके से वाइंडिंग करना सिखाएंगे आज आपको। ये देखो दोस्तों, 1 2 3 4 ये इसका स्टैम्पिंग है। अब इसको डालना सिखाएंगे दोस्तों भी। दोस्तों फर्स्ट वाली में अपने को डाल दिया, एक को एक राउंड डाल रहे हैं, इसमें बीच में एक दो छोड़ दिया, ये तीसरे में डलेगा अपने एक राउंड। इसके बाद इसमें पेपर लगा दिया जाएगा ऊपर। ये कनेक्शन इधर से आएगा, फर्स्ट वाला इस साइड से आ रहा है ये, और जो इधर से दूसरी कोयल का कनेक्शन है वो इस साइड से आ रहा है। इसका जो नेक्स्ट वाला करेंगे वो ये कनेक्शन इस इधर से आ रहा है, तो इस वाला इधर से निकालना पड़ेगा अपने। ये सेकेंड वाली कोयल में फर्स्ट राउंड हो गया, ये दूसरे वाला राउंड हो गया इसमें। इसके ऊपर पेपर लगा दिया है,
दोस्तों इस हिसाब से सेकंड वाली कॉइल डलेगी, इसका कनेक्शन इधर से यूँ आ रहा है तो इसका इधर से आगे की तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा जो राउंड फिगर में जाएगा ये ऐसा, फिर आगे का ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे। ये सेकंड वाले ये छोड़ दिया, दूसरे वाले इस वाले में डल जाएगा अपने, एक छोड़ के इसमें डल जाएगा, फिर बीच में एक दो छोड़ दिया अपने, ये हो गया एक दो छोड़ दिया, इस वाले तीसरे में डल जाएगी इसके, फिर फर्स्ट वाले में फिर वैसे एक राउंड डल जाएगा, ये फर्स्ट वाले में एक राउंड डल गया अपने, इसको बाहर निकाल के कनेक्शन को इसके पेपर लगा दिया जाएगा ऊपर। दोस्तों जो इसमें एक राउंड लगा रहे हैं रनिंग वाले में, तो इसमें दूसरा राउंड जो आएगा वो स्टार्टिंग का एक राउंड आएगा, फर्स्ट जो राउंड होता है ना वो स्टार्टिंग का आ जाएगा इसमें। ये लग गया आपके जैसे, फिर ये दो राउंड इस वाले में जो बच रही है इसमें लग जाएगा आपने, ये शॉर्ट रूप से बता रहा हूँ दोस्तों, इससे क्या वीडियो लंबा नहीं हो सके। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। इससे आगे से आगे हमारा अच्छा अच्छा हौसला बढ़ता रहे। इससे किनवाड़ी में दो राउंड लगे फिर वापस, दोस्तों क्या कि राउंड थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा लिया है इसका, इसलिए थोड़ा डालने में दिक्कत आती है। इसका गेज 28 चल रहा है और राउंड लिया मैंने 110, वैसे कंपनी से जो फिटिंग आती है उसमें 100 राउंड ही आते हैं अपने, लेकिन क्या अच्छे राउंड डालेंगे तो क्या थोड़ा स्पीड वगैरह अच्छी मिल जाएगी आपको, मोटर हीट नहीं खाएगी, गर्माएगी नहीं, इससे क्या कस्टमर बरकरार रहता है आगे के अगले लिए, शिकायत नहीं आएगी दोबारा इसमें वारंटी लिया था। दोस्तों ये पेपर डाल रहे इसमें देखो आपके, इस वाले दूसरे में दो राउंड हो गए, अब ये जो राउंड बच रहा है वो इसके ऊपर इसमें डल जाएंगे, इसमें दो राउंड डलेंगे, ये वाला जो बच रहा है ना अपना ये वाला दोस्तों, इस वाले में दो राउंड डलेंगे अपने। दोस्तों तीसरी कॉइल का है जो ये वाला कनेक्शन आएगा इस साइड से आएगा, तो ये है अपने इधर से आ रही है, जैसे ये हो गया ये इसी साइड से आएगा, अब जो बचेगा आगे का वो अपने इस साइड का आएगा, फिर इस साइड का बच जाएगा, उसी हिसाब से चारों कॉइलें डल जाएगी दोस्तों। ये तीसरी कॉइल की फर्स्ट वाली डल रही है, दोस्तों डल गई है, दूसरे राउंड में डलेगा, फर्स्ट दो राउंड डलेंगे ना इसमें, इसमें डाल रहे हैं अपने, ये जैसे ही डल गया ये सबसे फास्ट आसान तरीका है दोस्तों, अदर तरीके से बनती है वाइंडिंग, लेकिन मैं जो शॉर्ट तरीका आपको वाइंडिंग करने का आसान वो बता रहा हूँ।
आगे दूसरे वीडियो में उसी तरीके से बताऊंगा आपको। से आगे वाला वीडियो देख सके आप दोस्तों, ये देखो ये बना दिया गया आपके सेकंड में भी, फर्स्ट राउंड डल गया, अब इसमें सेकंड राउंड और डलेगा। तो इसी हिसाब से हमने चारों कोयले डाल दी जाएगी, अब मैं चारों कोयले कंप्लीट डाल के आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों रनिंग के चारों कोयल डल के कंप्लीट हो गई है। अपने पास कनेक्शन के लिए दो वायर बचे हैं, एक तो ये बच गया अपना, एक बच रहा है ये वाला। दोस्तों दोनों इसी साइड से बची हुई हैं, एक ही तरफ से कनेक्शन होना चाहिए। ये भी इधर से आ रहा है, देखो ये इधर से आ रही है ना, देखो पास में आप। और जो ये वाला कोयल भी आ रही है, अपने कनेक्शन जो इधर से आएगा, तो ये इधर से होना चाहिए दोनों दोस्तों। बाहर ही बाहर के होने चाहिए, अंदर के नहीं होने चाहिए। तो देखो दोस्तों बिल्कुल बाहर की साइड से आ रहा है कनेक्शन। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसे लगा है उसको शेयर लाइक कीजिए। अब इसका जो स्टार्टिंग का डालनी है कोयले, वो नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे आपको, क्योंकि इसे वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो स्टार्टिंग कोयल कनेक्शन वगैरह आपको नेक्स्ट वाले सेकंड पार्ट में बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।